नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। सो रिसेंटली मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी एंड उस व्लॉग्स में काफ़ी सारे नीचे कमेंट आए थे। एक तो सबसे ज़्यादा कमेंट ये था कि मैं अपनी सारी ड्रेसेस का 1-to-1 वीडियो बनाऊं कि मैंने कौन सी ड्रेस कहाँ से ली है, क्या अमाउंट है। एंड दूसरा ये था कि जो मैंने मेकअप कैरी किया था उसके ऊपर भी मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे कि आप वो एक ट्यूटोरियल बनाइएगा। तो मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, क्योंकि मेरे घर की शादी थी एंड मेकअप मैंने किया था वो हार्डली 30 मिनट्स वाला टाइम लिया है मैंने अपने मेकअप में। एंड मोस्ट ऑफ द जो मेकअप है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब बेस मेरा सब कुछ सेम है, इवन आई शेडो पैटर्न भी सेम है, बस लिपस्टिक के कलर्स मैंने चेंज करे हैं और आई थिंक हेयर स्टाइल एक आध दो में चेंज करे, अदरवाइज मेरा सब कुछ पैटर्न सेम था, सिर्फ मेरे फटाफट कपड़े चेंज हुए हैं। तो मेकअप है वो एज इट इज़ इंटैक्ट था मेरे फेस पे डेफिनेटली। तो मैं आज वही आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप क्विकली, तो गेस्ट मेकअप ही कहेंगे क्योंकि मैंने बहुत लाउड मेकअप नहीं किया था। अगर आप लोगों के घर में वेडिंग है और आपके पास थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं तो आप उन प्रोडक्ट्स से भी ये मेकअप इस तरीके का कर सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम लोग लगा लेंगे हेयर बैंड। हालांकि मैं अभी ट्यूटोरियल बना रही हूँ इसलिए लगा रही हूँ, बट जब इन रियल कहाँ हेयर बैंड शादी वाले घरों में कौन सा हेयर बैंड क्या होता है, कुछ नहीं, बस आपको फटाफट से रेडी होना रहता है। पहले जो स्टेप मैंने फॉलो करी थी वो था अपना फेस को प्रेप करना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन स्टेप्स में अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख लोगे तो आपका बाकी का जो मेकअप होता है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। दिस इज अ सेटअप इन मॉइस्चराइजर डैम। दस का टाइम था इसलिए मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से लगाइएगा। तो मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। अंडर आईज में भी मैं थोड़ा सा कंसीलर वगैरह लगाती हूँ, तो मैं यहाँ पर अंडर आई क्रीम लगा रही हूँ सो दैट ये एरिया भी अच्छे से हाइड्रेटेड रहे और यहाँ पर क्रीजेस ना पड़े। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको 2-3 मिनट का ब्रेक लेना होता है ताकि आपके स्किन में सेटल डाउन हो जाए, अंदर चला जाए। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैंने जो नेक्स्ट स्टेप करी है वो है प्रेप एंड प्राइम नेचुरल बेस रेडिएंट। प्राइमर का काम करता है एंड साथ ही साथ इसके अंदर कुछ ऐसे ना गोल्ड पार्टिकल्स हैं, फेस को प्रिपेयर कर देता है, लाइक प्राइमर की तरह भी काम करता है एंड साथ में आपके स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो लेकर के आता है जो कि बहुत नेचुरल लगता है। हल्का सा ऐसे डैबिंग मोशन में मैंने जहाँ जहाँ पर भी मुझे चाहिए कि भाई मेरी स्किन थोड़ी ग्लो करे उधर लगा लिया है। एंड हाँ, बाय द वे मैं लिप बाम ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, मैंने लिप बाम लगाया है मामाअर्थ का जो लिप टिंट है वो। बारी आती है फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन के लिए दिस टाइम आई हैव ट्राइड दिस मैक का स्टूडियो फिक्स फ्लूइड SPF 25। दिस इज़ अ न्यू फाउंडेशन और मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना था। तो वैसे इसके पहले तक जो मेरा फेवरेट फाउंडेशन था ये एस्टेल ऑर्डर का, जो कि मैंने अपनी मासी के बेटे की शादी में यूज़ किया था। बट नाउ व्हाट हैपेंड इज़ आई स्टिल लव दिस फाउंडेशन, जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छा है, बट मेरे स्किन का जो टोन है वो शायद या तो चेंज हुआ है या क्या हुआ है, आई रियली डोंट नो, बट ये मेरे स्किन टोन से अब मैच नहीं करता है, थोड़ा सा डार्कर शेड हो गया है ये। सो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई और मैंने एक मैक का फाउंडेशन मंगवाया। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये फाउंडेशन जो है ना ये ऑक्सीडाइज होता है फेस पे, तो आफ्टर एन आर और 1.5 आवर ये मेरी स्किन को, डेफिनेटली स्किन का जो मेकअप है वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बट मुझे मेरी स्किन थोड़ी ऑक्सीडाइज लग रही थी, मतलब डल लगने लग गई थी। डल इन द सेंस मीन्स जो मेरा शेड है वो ऑब्वियसली जो था उससे 1 or 2 tone थोड़ा नीचे लग रहा था। जो शेड है दैट इज दिस 35, तो मैं 30 और 25 भी मुझे मिला हुआ है, बट उस टाइम शादी के टाइम में मैंने हल्का सा लगा करके देखा तो था, बट मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने कहा अभी जब तक अब जो भी आया है उसी को ही मैं लगाती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। डेफिनेटली इसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ बहुत अमेजिंग था, बस ये कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो शेड है वो थोड़ा सा गड़बड़ आया है। अब मैं पूरे अपने फेस पे थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाया है मैंने पूरी शादी में, क्योंकि अगर हमको ज़रूरत होगी तो हम और लेंगे, बट कम से स्टार्ट करेंगे। फिनिश है ना वो बहुत अच्छी आई है। एक और चीज़ एक्स्ट्रा जो मैंने अभी करी है और जो मैंने वेडिंग में नहीं करी थी वो थी आई लेंसेज। मैंने आई लेंसेज लगाए हुए हैं और शादी में तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था लगाने का। और नेक्स्ट स्टेप इज़
कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एल ए गर्ल का प्योर बेज शेड। कंसीलर में मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। तो इसको मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट। यूजिंग दिस हूला ब्राउन्जर। सबसे खतरनाक बात ये हुई थी, जो मेरा संगीत का ड्रेस है, जो मैंने लहंगा मंगवाया था ऑनलाइन, उस वाले ड्रेस में मेरे एक भी फोटोज़ नहीं है। मतलब स्टिल जो रिसेप्शन वाला जो लहंगा था ना, उसमें एटलीस्ट 2-4 फोटोज़ हैं। जो मेन प्रोफेशनल कैमरे वाले फ़ोटोज़ होते हैं वो पता नहीं अभी तक आए नहीं है, वो है कि नहीं है। लेकिन जो मेरा संगीत वाला लहंगा है ना, उसमें तो बाय गॉड एक फ़ोटो नहीं है मेरे पास। मतलब सिर्फ पता नहीं मैं क्या कर रही थी और मुझे क्यों याद नहीं है, मैंने एक फ़ोटो नहीं निकलवाया है। मैं ये कराऊंगी, इस स्टाइल में फ़ोटोज़ निकलवाऊंगी, ये रील बनाऊंगी, वो करूंगी, बट मजाल है, एक रील नहीं बनाई। रील तो मतलब बहुत दूर की बात है, मैं स्टोरीज ही बना रही थी, वही बहुत हो गया। इनको दोनों को थोड़ा अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मैं अगेन जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना, उससे ताकि जो क्रीजेज हैं वो हट जाए और ये पूरा अच्छे से ब्लेंड इन लगे अंदर। मेकअप के लिए मैं सिर्फ ये एक ही आई शेडो पैलेट लेकर के गई थी, फॉरएवर फ्लॉलेस कॉन्स्टेलेशन पैलेट है ये। एंड इसमें भी मैंने सिर्फ ये 2 शेड्स यूज करे, वन दिस ब्राउन, जो ये ब्राउन कलर का शेड है, यूनिवर्सल शेड, इसको लिया हल्का सा एंड आई स्टार्टेड विद द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आई। यहाँ से यार शादियों में इतना टाइम नहीं होता है कि आप अब आप वी बनाओ, फिर आप 4 कलर यूज़ करो। मतलब मेकअप आर्टिस्ट की बात अलग हो जाती है, बट आप अगर खुद कर रहे होते हो ना, तो नहीं टाइम होता है। Now I'm just going to take this golden color और अपने हाथों की अपने उंगलियों में ले करके इसको मैं लगाना स्टार्ट करूँगी लाइक दिस। लाइनर लगाया था, तो जो लाइनर मैंने यूज़ किया था वो था ये फेसेस कैनेडा का अल्टीमेट प्रो अ मैट मेड इन हेवन इंक लाइनर। अमेजिंग अमेजिंग लाइनर है। सा एक काजल लूंगी और अपने लोअर लिड पे लगा दूंगी दिस। नेक्स्ट अब मैं थोड़ा सा मस्कारा लगाऊंगी, जो थोड़ा सा हाइलाइटर है ना वो इनर कॉर्नर ऑफ माय आईज। मैंने लिपस्टिक जो लगाई थी वो थी ये मैक का AA8, इट्स ऑल फायर्ड अप, इट्स अ डार्क पिंक, मजेंडा टाइप ऑफ पिंक जो होता है ना, रानी पिंक, उस कलर का शेड है। बट क्योंकि मैक की लिपस्टिक बहुत ही गंदी तरीके से आपके लिप से हटती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है जिस तरीके से इनका फॉर्मूला है, तो इसलिए पहले मैंने जो बेस है वो शुगर की लिपस्टिक का जो स्कारलेट ओहारा है वो लगाया था लाइक दिस, ताकि ये निकले ना तो बहुत अजीब में लगे भाई। क्योंकि पिंक कलर का मेरा लहंगा था, तो आई विल गोइंग टू अप्लाई बिंदी पिंक कलर की। ओके, और अब मैं फटाफट से चेंज करती हूँ, इयर रिंग्स पहनती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। दिस इज़ माई लहंगा जो मैंने अभी पहना है। मैं अभी इस लहंगे का भी रिव्यू करूँगी। तो ज्वेलरी मैंने नेक में कुछ भी नहीं पहना था, सिंपल सा जो मैं अपना चेन पहनती हूँ मैंने वही पहना हुआ था। इस हाथ में मैंने ऐसे वॉच डाली थी और यहाँ पर मैंने गोल्ड के बैंगल्स डाल दिए थे। बाकी मैं सेम ऐसी ही रेडी हुई थी, एक्सेप्ट जो मैंने लेंस लगाए हैं वो मैंने नहीं लगाया था, और जो मेरी हेयर स्टाइल थी वो मेरी कर्ल्स थी। एंड आई विश कि मैं इस तरह के बाल रखती तो शायद ज़्यादा अच्छी लगती, बिकॉज वो हेयर स्टाइल से मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं थी। एंड अभी जब मैं खुद को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये स्ट्रेट हेयर मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो पर ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं इस लहंगे की। तो ये जो ओरिजिनली जिसका है ये लहंगा, दिस इज लेबल शौर्य सनार्ड, वो भी उनके वेबसाइट पे जा करके। पहले मैंने उनके नायका फैशंस पे प्राइस देख लिया था, आई थिंक 5600 समथिंग कुछ प्राइस था। फिर मैं उनके वेबसाइट पर गई एंड वहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल था, डेफिनेटली उनकी वेबसाइट पर थोड़े महंगा था, उसमें 6000
700 समथिंग कुछ का प्राइस था, 1000 रुपये महंगा था, बट जो बेनिफिट मुझे मिल रहा था वो ये मिल रहा था उनके वेबसाइट पे जाकर के कि मैं कस्टमाइज करवा सकती हूँ डिज़ाइन। डेफिनेटली जिस तरह का वो लहंगा पहनी हुई है, जिस तरह का ओरिजिनली डिज़ाइन था, वो यहाँ से ऐसे स्लीवलेस था और अलग टाइप का बैग था, तो डेफिनेटली मैं स्लीवलेस पहन सकती थी, बट स्टिल मुझे नहीं पहनना था क्योंकि इतने सारे लोग आने वाले थे संगीत पे और अलग फैक्टर था मेरा, तो मुझे स्लीवलेस में थोड़ा अवॉइड कर रही थी। तो मुझे था कि मैं अपने हिसाब से थोड़ा चोली वगैरह बनवाऊंगी, कस्टमाइज करवाऊंगी, अगर मुझे वो ऑप्शन मिल जाता तो मैं इसको बुक कर लेती। तो जब मैंने उनसे बात वगैरह करी व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बोला कि आपको आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके दिया जाएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा। तो आई वाज लाइक ठीक है फाइन, फिर मैंने बुक कर दिया था। तो 6700 समथिंग का मैंने बुक किया था, जिसमें ये जो पूरी चोली है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, दिस इज द चोली जिसको मैंने बोट कट एंड इतना स्लीव्स बनवाया था। इसका लेंथ मैंने मेरे अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाया है और बैक पे पूरा जो की होल होता है मैंने वो करवाया था। सो वैसी ही बिल्कुल आई है, फिटिंग हल्की सी लूज है, बहुत लूज नहीं है, एकदम देखने में समझ में नहीं आएगा कि लूज है, बट हल्का सा लूज है, बट आई एम ओके विथ इट क्योंकि मुझे डांस करना था और मुझे इतनी देर पहनना था तो मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल ही होना चाहिए। तो बहुत टाइट टाइट में तो घबराहट ही होने लगती, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने इसको कोई ऑल्टरेशन नहीं करवाया। नाउ कमिंग टू द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक, जैसा डेफिनेटली वेबसाइट पे दिख रहा था, ऐप पे दिख रहा था, वैसे ही सेम डिट्टो मेरे पास पीस आया, उसमें मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन मुझे क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैंने अपने कजिन की शादी में, मेरे को कोलैबोरेशन आया था वोगम फैशन वालों की तरफ से, तो जो वोगम है वो लोग भी इसी तरह से लहंगा कस्टमाइज, लहंगा क्या, वो किसी भी तरीके की ड्रेस को सेलिब्रिटी, आप कोई सा भी उनको पिक्चर दे दो रेफरेंस, वो सेम टू सेम आपको वो ड्रेस बना के दे देंगे कम बजट में। तो उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट एक ड्रेस दिया था एज ए गिफ्ट, या PR बोल लीजिए आपकी, मतलब ऐसे करके। तो वो ड्रेस आई थिंक मैंने उनसे कॉस्टिंग पूछा था, तो वो 5000 के अंडर में था, मैं उसकी पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी, येलो कलर का लहंगा, मस्टर्ड येलो कलर का लहंगा, वो आई थिंक 4500 कुछ का था, एंड अमेजिंग पीस था। उसका जो नेट था वो क्वालिटी इतनी रिच नेट थी कि मतलब बहुत बहुत सॉफ्ट नेट था। अब आते हैं इसके नेट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो नेट है ना, अभी आपको शायद देख के समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो, बट द क्वालिटी ऑफ द नेट इज़ नॉट दैट ग्रेट। ये थोड़ा हार्ड नेट है जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, एक चीप क्वालिटी का नेट तो नहीं बोलूँगी मैं, बट चीप और जो प्रीमियम होता है उसके बीच का नेट है। फिनिशिंग है ना इस लहंगे के, इस लहंगे में बहुत सारे जगहों पे ऐसा हो रहा था कि जो थ्रेड्स हैं वो निकल रही हैं कंटिन्यूसली, तो फिनिशिंग वाइज भी मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो डेफिनेटली मैं वोगम को ज़्यादा अच्छी रेटिंग दूंगी। अगर आपको लहंगा लेना है तो आप एक बार उनका इंस्टाग्राम पेज चेक करिएगा, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था मेरे को बहुत अच्छा रहा है, क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी थी, कपड़ा वगैरह वो बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। तो इसमें एक यही बस इशू है, बाकी दिखने वगैरह में कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ काफ़ी ज़्यादा प्रिटी एंड सुंदर है। सो यस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।